आई होप आप जहाँ कहीं भी हैं जो कुछ भी कर रहे हैं यू आर क्वाइट फाइन हैप्पी मोस्ट वेलकम टू माई चैनल एंड आई एम हियर क्वाइट एनर्जेटिक्लांग टू टीच यूर एसे ऑफ पेपर ए एंड इट्स अबाउट बी एस सी इंग्लिश दिस इज चैप्टर एटीन इन मे डे रिटर्न बायल बेकर And thanks be to Almighty Allah that we are about to complete our syllabus or chapters from English A paper. Wo we'll complete karne ke baad, inshallah, we'll be moving forward towards our BA or uh, FA FSE syllabus. But before this, I'll try my level best to make a detailed video about your paper B preparation and uh, guidelines. Yes, that is also necessary. But...

जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज मिसिज़ बेकर एंड ऑल द स्टोरी ऑल द इवेंट्स ऑल द डिस्कशन मूव अराउंड दैट कैरेक्टर और स्टोरी ये है कि मिसिज बेकर जो हैं जो राइटर की मदर हैं वो बताते हैं कि एटी यर्स की एज में अस्सी साल की उम्र में उनकी वालदा फर्श से फिसल कर गिर गई और उनके दिमाग पर चोट लगी इसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ एंड शी बिकेम फ्री फ्राम द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस वो क्या हुआ उनका दिमाग मुतासर हुआ और वो माजी में चली गई माजी की यादों में माजी की इवेंट्स में एक्सीडेंट्स में इंसीडेंट्स में उस वो मतलब के प्रजेंट रियालिटी जो थी उसमें वापस ना आ सकी क्या हुआ कि वह होती तो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर थी बट शी वॉज ऑल लॉस्ड इन द पास्ट मेमोरीज कि माजी में वो किन किन शादियों पे गई थी कैसे कैसे जनाजे हुए थे कैसे कैसे दावतें हुई थी जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ शिरकत की थी और फिर इस ब्रेन की जो उनके ऊपर चोट आई थी उसके बाद राइटर ने उन्हें कि हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था तो वहां के वो कुछ सीन्स बयान करते हैं कि किस तरह एक दिन जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनकी मदर उन्हें कहती है कि ये कौन है वो कहता है कि मिसेस बेकर को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ लेकिन उसे ऐसा लगता है ये कोई स्ट्रेंजर है और वो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा तो ऐसे इशारा करके बताती है फर्श से दो फुट ऊंचा कीजिए मेरा बेटा तो छोटा सा है ये कौन है उसे लगता है कि ये कोई स्ट्रेंजर है फिर वो अगले उस दिन वो खुद को ऐसे इमेजिन कर रही होती हैं यानी ऐसी अपनी यादों में खोई हुई होती हैं जैसे वो देहात में हुआ करती थी और बहुत ही जवान तेज तराज ओवर कॉन्फिडेंट और गजबनाक टाइप की औरत थी स्टडी स्ट्रांग अपनी मुर्गियों की देखभाल करते हुए और अपनी पीक टाइम ऑफ यूथ में फिर क्या होता है एट द नेक्स्ट मोमेंट वो उनको ऐसे महसूस होता है मिसेस बेकर को कि जो राइटर है वो एक ओल्ड एज एक्सपायर्ड पर्सन है जैसा कि उसका बाप हो अपना फिर जो है एक दिन सॉरी सॉरीफुली मिसेस बेकर अपने बेटे को फ़ोन करती है कि आज तो मेरा जनाजा है क्या तुम तो मेरे जनाजे में शरीक होंगे जबकि बेटे को बहुत सरप्राइज uh, स्टॉनिश्ड और गुस्सा भी आता है कि वो उसे मना करता है कि ऐसी बातें जो है वो नहीं सोचनी है ऐसे नहीं करना है अब उसे तो समझ नहीं आती और अपनी माँ को जो है वो कैसे समझाए इसलिए वो फ़ौर से जो है फ़ोन बंद कर देता है जो मुशनफ़ा है उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये है कि शी विल नॉट बी सप्रेस्ड बाई एनी पर्सन सो शी वुड से वट एवर शी वॉन्ट टू से जो कोई भी उसके बाद जहन में होगी वो फ़ौरन से कह देगी फिर वो अपने आप को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है जिस तरीके से जिस लाइन पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारती आई हैं जैसे स्ट्रॉग स्टडी रूड ओवर कॉन्फिडेंट एंड अ लेडी दैट इज़ टू मच सेल्फिश एंड दैट डजेंट केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स सेंसिटिविटीज एंड इमोशंस शी बिकम्स इंग्रॉस्ड इन इज ओन इन हर ओन सेल्फ़ तो वो उसी चीज़ में ही मगन रहती है चोट लगने के बाद भी अपनी पास्ट की जो शाइनिंग मेमोरीज हैं उनमें गुम रहती है और अपने आप को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करती है ना ही प्रेजेंट की तरफ वापस आती है तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसकी ब्रेन डैमेज होने का उसके अंदर आया है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ़ गोइंग इनटू टू कंसिडरेशन ऑफ इस प्रेजेंट लाइफ प्रेजेंट फीलिंग्स वो अपनी पास्ट में ही गुम रहती है इन द एंड राइटर हमें समझाता है एडवाइस करता है कि जो बच्चों का अपने पेरेंट्स uh, के साथ रिलेशनशिप है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग उसका वो कंप्लीट एनालिसिस करता है और कहता है कि जो वालदे हैं दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे वांट टू डू तो ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा वो कहता है कि वालदेन जो हैं वो बच्चों की प्रॉब्लम से केयरलेस रहते हैं वो ना बच्चों की साइकोलॉजी uh, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ना उनके पे ज्यादा तवज्जो देते हैं ना उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं वालदेन के जो झूठ वो बोलते हैं जिस तरह की चीटिंग करते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं फौरन तो ये है जी एडवाइस दैट इज गिवन इन द एंड अब हम अपने मेन पॉइंट्स देखते हैं कैरेक्टर स्केच को थोड़ा सा देख लेते हैं जो मिसेस बेकर हैं उनका कैरेक्टर किस तरह का है शी इज एन ओल्ड लेडी

उसमें वो रह के खुश होती है और इसी तरह करना पसंद करती है वो ये नहीं देखती उसका बेटा उसे क्या एडवाइस कर रहा है उसको कितना बुरा फील होगा वो कितना हर्ट होगा या उसे कितना दुख होगा कि उसकी मम्मा जो है दैट इज़ लिविंग इन द पास्ट बट शी डजेंट केयर अबाउट दिस वो अपने उसमें टाइम से आज़ाद होकर अपने पास्ट में घूमती रहती है अगर उसकी लाइफ का थोड़ा सा एनालिसिस करें और उसकी बीमारी से पहले वाली ज़िंदगी देखें तो चूंकि हमें राइटर ने दो उसके पीरियड्स साइड बाय साइड रखे हैं एक इन द टाइम पीरियड ऑफ इलनेस एंड इन द टाइम पीरियड बिफोर इलनेस बिफोर जो है सिकनेस बिफोर फॉलिंग डाउन उससे पहले जो है शी वॉज क्वाइट डिससेटिस्फाइड एंग्री एंड फुल ऑफ स्टर्डी फीलिंग्स अनहैप्पी वो uh, ऐसे हर एक के मुंह पे जो उसके बाद में बा में बात आती थी आउट स्पोकन थी चूँकि जो बात मुंह में आती थी ऐसी कह देती थी पेंस स्ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के बारे में वो, बहुत बोल देती थी लाइक like, किसी का कुछ वो कहते हैं ना कि वट शुड आई से ही वट्स वर्ड्स शुड आई यूज़ के दबने वाली नहीं थी औरत जिसके जो मुँह पर आता था ऐसे बोल देती थी और फिर वो गिर गई और गिरने के बाद ये हुआ कि वो अपने माजी में ही रही उसने अपने प्रेजेंट पे ध्यान देने की कोशिश नहीं की ए के लिए अगर हम देखें तो वो जब ठीक थी तब भी वो अपने प्रेजेंट पे जो है ध्यान नहीं दे रही थी शी वाज क्वाइट सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ कंसीटर्ड लेडी दैट वाज ऑल इन ऑल लाइक जब वो ठीक थी शी वॉज ऑल इन ऑल जो वो चाहती थी वो करती थी जो वो चाहती थी वो बोलती थी जो वो करना चाहती थी उसे प्रेजेंट रियलिटी से और ख़ुद को चेंज करने से कोई सरोकार नहीं था एंड आफ्टर हर फॉल डाउन उसके बाद भी उसमें अपने बारे में ही थी कि अपनी एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए लोनलीनेस को दूर करने के लिए शी जस्ट इन्जॉयड हर पास्ट लाइफ पास्ट मेमोरीज। फिर जो है अगर हम थोड़ा सा देखें और तो वो सेल्फ सेंटर तो थी ही और दूसरा जो है अगर हम इसकी लिमिटेशंस को देखें और इसके फ्लॉज को देखें तो हमें लगता है शी वॉज नॉट अ ग्रेट लेडी शी वॉज हैविंग वीकनेसेस लिमिटेशंस ऑफ हर कैरेक्टर सो शी वॉज जस्ट नॉट अ ग्रेट कैरेक्टर अविंसिकल टाइप एंड इनकेंट लेडी देन फिर जो है हम थोड़ा सा इसके रिलेशनशिप को देख लेते हैं हाउ द रिलेशनशिप वॉज बिटवीन मदर एंड द सन चूंकि मदर जो है सेल्फ सेंटर्ड है सेल्फ कंसीटेड है सेल्फिश टाइप लेडी है तो शी डर अबाउट the others problem and as well as the problems of her children उसके जो अपने पेंस हैं जो अपनी वरीज हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा बड़ी हैं इतनी ज़्यादा यूज हैं इतनी बड़ी साइज़ की हैं जिजेंटिक साइज की हैं कि दे डोंट अलाउ हर टू लुक इन टू अदर्स लाइफ टू पीप इन टू अदर्स लाइफ सो शी इज़ जस्ट केयरलेस अबाउट द प्रॉब्लम्स पेंस एंड मिजरीज ऑफ हर ओन चिल्ड्रेन एंड लाइक वाइज She doesn't care about the needs and necessities of her son. Secondly, uh, after her death, after her fo uh, falling down and uh, damaging her brain, she doesn't even um, care for her son and she doesn't uh, uh, pay attention to her son's advice. So instead of to वो सिर्फ यही देखती है कि उसे अब क्या चाहिए एंड शी शी लॉस्ट इन हर आइडियाज फिर जो है वी सी के उसकी मेमोरीज जो हैं दे आर क्वाइट टू हर ओन सेल्फ तो उसी में रहना पसंद करती है आखिर में बहुत इम्पॉर्टेंट और कहते हैं ना कि जिस्ट ऑफ दिस ऐसे जनरेशन गैप पे बात हुई है और बहुत इम्पॉर्टेंट हुई है uh, जो रसल बेकर था ही डजेंट हैंग रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन वो अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप था वो आइडियल नहीं था बहुत स्ट्रांग नहीं था उनके दरम्यान एक गैप सा था और हमेशा मिसकंसेप्शन मिसकम्यूनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि एक दफ़ा वो अपने बच्चों को बताता है कि उसने अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल गुजारी है बचपन में उसे खाने के लिए गोश्त नहीं मिलता था उसे टीवी नहीं देखने के लिए मिलता था और वो हमेशा मैक्रोनिस टाइप जो है डिशेस खाता था सो ही एडवाइज हिज चिल्ड्रन नॉट टू कंप्लेन ऑफ गेटिंग लेस मीट एंड डोंट वॉचिंग टेलीविजन कि अगर टीवी देखने को ना मिले गोश्त खाने को ना मिले खराब होने की कोई तो इस तरह की कोई कम्प्लेन्स जो है वो नहीं करनी है फिर एक दिन के वो बताता है कि एक दिन की जो खाने पर उसका बेटा जो है वो उसकी अपनी बैड रिपोर्ट थी बैड रिजल्ट थे उसकी वजह से वो नाराज था उसे लगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ वो अपने बच्चे के साथ ट्रूथफुल नहीं है सिंसेर नहीं है और ये जो है एक टाइप की मिसकंसेप्शन थी यानी कि देयर वाज नो हार्मनी बिटवीन देयर रिलेशनशिप और वो जो उनका अपना पुराना टाइम है वो उसको हमेशा आइडियलाइज करते हैं और बताते हैं और जो न्यू जनरेशन है नया टाइम जो है उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि उनके पास क्या है और वो क्या करना चाहते हैं इसी तरह वो अपने माजी को देखते हुए बच्चों के मुस्तबिल के बारे में हमेशा ही परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि जो जो उनके फादर हैं उनका जो मुस्तबिल है वो बच्चों का माजी होगा तो दे आर ऑल वरीड अबाउट इट एंड यही जो है वो उनके ये जो वरीज हैं और ये जो टेंशन हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन और बेसिकली वो ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं दे आर देयर फ्यूचर और वो जो है वो जो सोचते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे वही करेंगे बट वट हैपन्स um, and that happens quite opposite to the expectations and desires of parents quite unfortunately this is the generation gap between parents and children bachche kehte hain ki wo wo karenge what they suits them what they uh, like them aur jo unhe pasand hai jo wo karna chahte hain feasibly wo wahi karenge जबकि parents जो हैं वो expect करते हैं कि बच्चे वो कुछ करेंगे जो वो करते आए हैं Basically जो parents की uh, महरूमियाँ होती हैं या जो डेफिशंसीज होती हैं वो चाहते हैं कि अब बच्चों में वो ना रहें और बच्चे जो हैं वो सब कुछ करें जो पेरेंट्स अचीव करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर सके या जो वालदेन के ख्वाब होते हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं तो वो चाहते हैं दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय देयर चिल्ड्रन और देयर ड्रीम्स शुड बी पेंटेड बाय देयर चिल्ड्रन बट व्हाट हैपन्स क्वाइट अपोजिट टू इट और इस वजह से मदर जो राइटर है वो कहता है उसके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और जो मदर है वो भी यही कहती है कि उसके बेटे ने उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया है तो दिस इज़ अ क्वाइट गुड मॉरल लेसन दैट इज़ गिवन द गिवन एट द एंड और जो हमारा बेसिक या मेजर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर का यही वाला होगा एक जनरेशन गैप वाला और दूसरा जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज बेकर With this, I would like to say you goodbye. Uh, stay happy, stay tuned, stay connected, and uh, till then, Allah Hafiz.